राम राम यूट्यूब फैमिली। राम राम। आज के ब्लॉग की शुरुआत हम 9 बजे से कर रहे हैं। अभी पूरे 9 ही बजे है ना? है 5 मिनट। हाँ, और आज हम ना कहीं जा रहे हैं, मंडियार। मंडियार मासी जी के मायके में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ना आज श्राद्ध है, तो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। और ना फिर से कमेंट आ जाएंगे गाइस के जाओ कि ना आजकल कौन से श्राद्ध चले हैं। शायद हमने पहले भी क्लियर किया था, अब दोबारा नहीं कर पाएंगे हम क्लियर। होते हैं श्राद्ध, पता नहीं कौन से वाले, लेकिन होते हैं। हाँ, और लेट हो गए हम, एक बस तो हमारी छूट गई ना, 8:45 वाली है ना। और ना गाइस, मम्मी जी और डैडी जी ना वहाँ से आएंगे हमारे ससुराल से, और हम यहाँ से जाते हैं। हाँ। और हमें मंडियार में मिल जाएंगे वो। हाँ, तो वो वेट करेंगे, इसलिए मैं बहन जी को बोलूँगी जल्दी चलो, बस नहीं छूटनी चाहिए ये बारी। हाँ, फिर हम अकेले जाना पड़ेगा अकेले घर, और हमें रास्ते का भी पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा पता है। पता है आपको? मैं तो शायद एक बार गई थी, है ना? एक बार। हाँ, और वहाँ पता नहीं हम ब्लॉगिंग कर पाएंगे या नहीं, पक्का नहीं बोलते, देखेंगे। आया ना तेरी चप खरी करानी, चल चल चलो। यूट्यूब फैमिली, बस स्टैंड तो पहुंच गए हम, पर हमें ना डाउट है कि कहीं बस चली तो नहीं गई है। आई नहीं, अभी नहीं आई, पर यहाँ पे ना बस का वेट करने वाले और भी बैठे हुए हैं, पर ये नहीं पता ये उस साइड जाएंगे या इस साइड। क्या लगता है जी आपको? पता नहीं, जब बस आएगी तब पता लगेगा। और ना आज धूप नहीं है, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप पूछो मत। आपको देख के लग रहा होगा कि आज थोड़ी सी भी धूप नहीं है, पर धूप में इतनी गर्मी नहीं लगती जितना बिना धूप के लगती है। आपने नोटिस की यही चीज़? हाँ, मैंने भी। चलो करते हैं वेट, कब तक मिलेगी। तो YouTube फैमिली पहुंच गए हम मासी जी के मायके में, और ये हमारी फ्रेंड है, ये हमारे साथ ना स्कूल में पढ़ी है। जहाँ हमारे मायके है ना, वहाँ इसके मामा के घर है। आइए ठीक ठाक, और यहाँ की लोकेशन दिखाते हैं आपको। नहीं रुको रुको गाइस, को मासी जी शायद ना आगे हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं आगे। ठीक लगे हैं। और ना हमें ना यहाँ ना मंडियार का पता ही नहीं चल रहा था। बहन जी बोल रहे थे ना कि इस वाले मोड़ पे उन मामा जी के घर, अगले मोड़ अगले मोड़। और मुझे ना कब से बस में खड़ा करके रखा था कि बस वाले उतारेंगे भी नहीं अगर आप खड़े नहीं हुए तो। गाइस तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में यहाँ पर। यूट्यूब फैमिली, हम ना कब से 1.5 घंटा हो गया, तो 1.5 घंटे से ना हम इस वाले रूम में बैठे हुए हैं, और ये ना ये वाला रूम मामी जी का है, और हमारी फ्रेंड भी है मामा और मामी जी का ये वाला रूम। और ना ये रूम पता नहीं ठंडा क्यों है, क्योंकि ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन का काम चला है ना, इसीलिए। हाँ, हो सकता है ये भी। और ना मासी जी बोल रहे हैं कि ऊपर चलो, ऊपर जो नया घर बना है ना वो भी देख लो, ऊपर चल के। तो चलो किसके साथ जाएंगे, कोई आएगा ना हमें लेने तो चले जाएंगे हम साथ। और सब ये आ रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं हमारे साथ, और चले जा रहे हैं, और हम ही रह जा रहे हैं यहाँ पे। तो आ गए हम ऊपर वाले फ्लोर में, क्या दिखा रहे हो आप? चल, और यहाँ का व्यू वहाँ। वोट मांगने आए हैं शायद। नमस्ते मुन्नू, क्या नाम है आपका? बाशु। अच्छा, बासु। सरमाइका। सरमाला।
यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक। लुटपुर में नहीं इतना बड़ा पहाड़ कहीं। हाँ ये कुद्दा घर है इतका का वो चला रही चला नीचे चल दुरा जी कर दे बाद YouTube फैमिली शाम के 5 बज गए और हम ना मामा जी के घर से आ गए और ये गाय हमारे मायके में भी ऐसी थी गाय और ना मम्मी जी डैडी जी ने बोला कि आप जाओ क्योंकि उन्होंने तो कक्कड़ जाना और हमने उठपुर जाना है तो इसलिए हम आ गए और ना वो जो हमारी फ्रेंड है ना कबो उसका घर है ये और वो जा रही है हमें छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक और बस गर्मी बहुत ज़्यादा है कुछ नहीं मानू ये तो YouTube फैमिली शाम के 4 बज गए ना और अभी हमने ना अपनी सिलाई मशीन निकाल ली है बाहर। ऐसे ही हमने सोचा कि बहुत टाइम बाद ना इसे चलाकर देख लेते हैं कि ये थोड़ी बहुत चलती है या नहीं। तो ना मैंने सोचा अगर नहीं चलती होगी ना, वैसे चलती तो होगी थोड़ी बहुत बेंजी है ना, पर इसकी ना सफाई करनी पड़ेगी पहले। हाँ, ऑयलिंग भी कर देंगे हम साथ में। और ना बहन जी ने ना, बहन जी बोल रहे हैं ना, हमने ये सारा सूटों का खलारा निकाल दिया जो लोगों ने सूट दिए स्टिच करने के लिए, इसमें भी इसमें भी इतने सारे सूट है। तो बहन जी बोल रहे हैं ना कि थोड़े से सूटों की कटिंग कर देते हैं, एक दो सूट की कटिंग यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि हाँ फ्री हमने इस अभी ना 4 बजे हमने करना भी क्या है, इसलिए हमने सोचा कि कटिंग ही कर लेते हैं एक दो सूट की, है ना बहन जी। मैं ना तब तक मशीन देखती हूँ चल रही है या नहीं ना, आप करो एक दो सूट की कटिंग, ठीक है। और ना आपको याद है इधर आओ कि हम ना शादी से पहले ना इसी रूम में बैठते थे कटिंग स्टिचिंग करने, बता दो तो गाइस को। हाँ हम ना ये वाला रूम था, लेकिन उस टाइम ना ये वाला बेड नहीं था, ये पूरा रूम खाली था, हमारा ना सिलाई वाला रूम ही था, हमारे कपड़ों का खिलारा पड़ा रहता था यहाँ पर। चाहे वैसे ना जो हमारी छत है वो भी गर्म हो जाती थी क्योंकि धूप में गर्म हो जाती है गर्मियों के दिन, पर फिर भी हम यही बैठते थे। मम्मी बोलती थी कि चलो पुराने घर में बैठो, पर हमें यहाँ अच्छा लगता है। और ना इस साइड से ना हम दोनों को ना इस साइड बैठना अच्छा लगता है, यहाँ देखो नीचे लड़ा बहन जी। हाँ हम ना पहले आ जाते थे दोनों इस दरवाजे में फिट हो जाते थे, पर अब नहीं होते। हाँ अब आप ना मोटे हो गए हो इसलिए हम फिट नहीं होते।
ये तो पहले दोनों ही बैठ जाते थे इसमें। हाँ ये वाला सूट कर रहे हैं बहन जी, कट कर लो तो आप मम्मी तो हर मुंडे जो ही खिंची दे मम फोटो 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 नहीं खींचे वीडियो बनाई। और बहन जी ना ये वाला सूट कट कर रहे हैं, ये वाला सूट करो कट। और मम्मी कुरकुरे लेकर आए हमारे लिए, चॉकलेट को ही चॉकलेट झूठ बोले कि चॉकलेट भी 5 स्टार नहीं खाती मैं। यूट्यूब फैमिली शाम के 7 बज गए और हमने ना 2 सूट की कटिंग कर दी और साथ में 2 कुर्तियाँ भी स्टिच कर दी। और खलारा देखो इस रूम में समेटती हूँ मैं ना, मम्मी आगे से ज़्यादा समेट दिए मैंने। हाँ क्या बोला, मम्मी भी आ गई। मम्मी आ गए? हाँ मम्मी ना भेड़े चराने गए थे। आशू आओ अंदर, नहीं पर जा बुई आग बाबल बुई जल्दी आ बारो। अच्छा देखी की हमारी भेड़ है गाइस। तो अभी हम घर से आकर ना यहाँ रास्ते में बैठ गए और ये भी यही है हमारी बहन। और अम्मा जी ना, हमारी अम्मा जो है ना वो प्याज प्याज साफ कर रहे हैं। इन्होंने ना एक साथ इकट्ठा कितना हम बोरिए 40 किलो प्याज इकट्ठा ले लिया ना, और अभी इसे ना स्टोर करके रख देंगे और 5-6 महीने ना इसी प्याज को खाएंगे, क्योंकि आजकल सस्ता होता है ना प्याज इसलिए। क्या बा अम्मा है थारा, कोई टाइम है ताली 10 रुपये किलो 12 रुपये किलो मिल रहा है ना, अभी इतना महंगा हो गया है। और इससे ज़्यादा महंगा होगा 40 किलो 50 किलो कब होगा? 100 रुपये किलो कभी होना नहीं पता, सियाड़ा होना ऊड़ी हो जाना थोड़ा टाइम इक्की डेढ़ महीने। और गोटू कैसे रखे हैं गोबर के ऊपर लेके खाने के रास्ते में, चलो खंडे हैं खुद के हाँ खड़े हो जाना है ना। माता जी कौन है शायद ना उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि माता जी जो है ना वो हमारे रियल अम्मा है ना, रियल दादी है हमारे ना, और हम ना उनसे अलग रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, माता माता जो है ना वो सभी की माता है, सभी की अम्मा है, गांव वाली अम्मा है। नहीं तो सभी की माता ही नहीं है, माता ही निकला है सारे। हाँ सारे सभी लोग ना बड़े छोटे बड़ी औरतें होती है ना, बूढ़ी औरतें होती हैं, उन्हें हम अम्मा ही बोलते हैं, चाहे वो किसी की भी अम्मा। लेकिन हमारे रियल रियल वाले जो है ना उनके वो एक्सपायर हो गए, वो ना ये वाली अम्मा जो है ना ये वाली ये वाली अम्मा देखी चली, इनके ना रियल सिस्टर थी हमारी अम्मा। हाँ तो एक कम यही रहे, लेकिन रियल दादा दादी जो है दादा दादी जो है ना वो हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। और यहाँ ना माता जी वालों को तो बहुत अच्छी हवा चलती है इस टाइम। एक कमेंट आया था ना कि आप बोलते हो हमारी भेड़े सो गई है, पर हमें पीछे से आवाज़ आती है उनके बोलने की, वो ना नींद में बोलने की आदत है उनको। खड़े
बरसात को पता सब बेड मरी रही की अखियाली केड़ी के अखियाली बेड़ी के खिर कुंदी बे इने री का फुटाई दे तेरी बेड दे उसरी माता री बेड री तीहे बांदरी है पचोटी तेरी है आंख हां हां उस भेड़ को ना वो भेड़ मर गई अब हमने गाइस को भी दिखाया था पचौड़ा मारी इतनी सारी अखी भी गड़ी थी मेरी और यहाँ पर कितनी अच्छी हवा चली है आप भी यहाँ पर बैठ जाओ छोटी बहन जी यहाँ बैठ जाओ गाइस तो अभी बैठ के ना हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे।